फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा फूड स्पेशल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो रेसिपी में, वो है दलिया। दलिया मैं दो तरीके से दलिया बनाऊंगी आज। एक हम बनाएंगे मीठा और एक बनाएंगे नमकीन। मीठा दलिया हम बड़ों को खाना है और बच्चों को मीठा नहीं खाना है, तो मैं उनके लिए नमकीन दलिया बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखिए हमें दलिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें दलिया को बॉईल करना है, तो मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा गिलास दलिया का, और मैंने उसको 5-10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ है। हमने यहाँ पर ली है आधा कटोरी दाल, चने की दाल हमने ली है, और उसको भी हमने पानी में धोकर भिगो लिया है। तो सबसे पहले हम लोग दलिया को बॉईल करेंगे, और उसके बाद हम उसको नमकीन बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम दलिया को उबलने के लिए चढ़ा दिया है। हमने इसमें दाल भी ऐड कर दी है, हमने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है, और अब हम इसको उबालेंगे अच्छे से। मैं कुकर से ज़्यादा खुले में उबालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे उसके न्यूट्रिशंस बने रहते हैं। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी की तरह दलिया बना सकूँ। उनके हाथ का दलिया बहुत ही टेस्टी होता है, और देखिए ये तो बनने के बाद पता चलेगा कि मेरा दलिया आज मम्मी की तरह बनता है कि नहीं बनता है। हमारा दलिया उबल रहा है, इतने में आप लोगों को बता देती हूँ कि नमकीन दलिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, फिर हम लेंगे एक आलू, हमने इसको भी काट के रख लिया है। हम लेंगे दो टमाटर, और हम ले रहे हैं 4 लहसुन की कलियां, और 2 हरी मिर्च हमने कूट ली है। हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कटोरी मटर के दाने। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा दलिया पक रहा है, और अभी ये इसमें पानी है काफ़ी, और हम दलिया को जब तक पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छे से पानी सोख नहीं लेता, और ये जो हमारी दाल है ये कच्ची नहीं होनी चाहिए, तो जब तक ये पक ना जाए। लाल मिर्च देगी और कलर आने के लिए और नमक ही डाला है। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसे हेल्दी भी रखना है। इसमें डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए आलू। अब हम इसमें अपने मटर डाल रहे हैं, मटर के दाने।
और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। जब आप कभी अपने लिए दलिया बनाते हैं और बच्चे अगर मान लीजिए नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से अपने बच्चों को दलिया खिला सकते हैं। बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये एक वैरायटी हो जाती है बस दलिया की, जिसको मीठा पसंद है उसके लिए मीठा, और जिसको नमकीन पसंद है उसके लिए वेजिस के साथ साथ हेल्दी भी होता है, और नमकीन दलिया बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू को थोड़ा पकाना पड़ेगा, जिससे कि आलू में जो मसाले का टेस्ट है वो अच्छे से चला जाए। नमक मिर्च अच्छे से आलू में फ्लेवर आ जाए इसका। अब हम इसमें अपना दलिया डालेंगे। बॉईल किया हुआ दलिया है ये हमारा। दलिये में चने की दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश करी आज अपनी मम्मी की तरह दलिया, अपनी मम्मी की तरह दलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, बन गया नमकीन दलिया। ये हमारा दलिया हो चुका है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बन गए हमारे एक स्वीट दलिया और एक नमकीन दलिया, ये हमारे बच्चों के लिए और ये हमारे लिए। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। हमारे पास कुछ कोरिएंडर लीव्स है, हम इससे इसको गार्निश करेंगे। बड़ा टेम्पटिंग था। और अब आप सोचेंगे कि मीठे वाले दलिये को कैसे गार्निश करें, तो आइए मैं बताती हूँ। अब हम इसमें लगाएंगे घी, करेंगे घी से गार्निश। प्लस में हमने यहाँ पर गुड़ को काट के रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है, और मैंने नमकीन वाले दलिये को मैंने धनिया पत्ती से गार्निश किया है, और मीठे वाले को मैंने गुड़ और घी से गार्निश किया है। आप चाहें तो मीठे वाले को दूध के साथ भी खा सकते हैं, दूध और गुड़ के साथ। चाहे तो आप इसमें मीठा चीनी, बूरा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगी, आप चीनी ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा। आप कोशिश करें, आप बूरा खाएं, गुड़ खाएं और हेल्दी रहें। और नमकीन वाले को आप दही के साथ खा सकते हैं, दही के साथ ये बहुत ही स्वाद लगेगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप हरी चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आप घर पे बनाएं और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।